अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपको रिव्यू देने जा रही हूँ वो है मिस रोज़ की फाउंडेशन या मिस रोज़ की बेस। ये देखें, आज मैं आपको इसके ऊपर रिव्यू देने जा रही हूँ। मिस रोज़ की फाउंडेशन है ये, किसी SPF के साथ नहीं है, विदाउट SPF है ये, ठीक है। इसकी सबसे पहली बात मैं आपको बताती थी, सबसे पहली ख़राबी इसकी, ठीक है, कि ये विदाउट SPF है। इसकी लॉन्ग लास्टिंग जो है वो कोई बहुत लंबी नहीं है, ये भी आपके 10 घंटे जो है वो आराम से निकाल देती है, ठीक हो गया। इसकी दूसरी बात ये है कि इसकी स्मेल है बहुत अच्छी स्मेल है इसकी, ठीक है। और ये मैंने फेयर कम्प्लेक्शन में जो है इसको ऑर्डर कराया था, इसका आप नीचे वो चेक कर लें, ये देखें ये ठीक हो गया। और इसकी कीमत 1000 रुपये है, हाँ मेरे ख्याल से मैंने 1000 रुपीज़ की ऑर्डर करवाई थी। ये मैंने अपने लिए ऑर्डर करवाई थी क्योंकि मैं अपने फेस पे जो है वो इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, तो इस वजह से ये मैंने अपने लिए ऑर्डर करवाई थी। तो मैं आपको इसकी एप्लीकेशन भी करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये आपके पास निकल आई, ठीक हो गया। ये बड़ी अच्छी है जिनकी स्किन क्या कहते हैं उसको, स्मेल लेस है ये, ठीक है। और जिनकी स्किन ड्राई है वो उनके लिए ये बेस बहुत, फाउंडेशन बहुत अच्छी है। ड्राई स्किन वालों के लिए ये फाउंडेशन बहुत अच्छी है। मेरा जो वो है ब्यूटी ब्लेंडर है वो इस टाइम पे मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको उससे इसको ब्लेंड करके दिखाती। ये देखें, ये बहुत अच्छी बेस है, ठीक है। तकरीबन 10 से 12 घंटे आपके आराम सुकून से गुजर जाते हैं ये लगाने के बाद। स्मेल लेस है और फॉर ड्राई स्किन, ड्राई स्किन वालों के लिए ये बेस बहुत अच्छी है। लेकिन जिनकी ऑयली स्किन है वो, उनको मेरा मशवरा है कि वो जाके बोनेंजा की या मैट फाउंडेशन जो है वो यूज़ करें। इसके ऊपर भी मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, मेरी वीडियोज़ में जाके दे चेक कर लें। तो जो ये है,